नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से तपस्या करने से आपका मसल लॉस होता है क्या। हिंदी में इसको मैं तपस्या बोल रहा हूँ क्योंकि तपस्या जैसी चीज़ है। तो लोगों का मन में डर होता है कि यार दिन में 16-16 घंटे 18-18 घंटे खाना नहीं खाएं, 20 घंटे खाना नहीं खाएं, तो इतनी देर में तो हमारा शरीर भूखा रहते रहते मसल को खाने लग जाएगा। जब आदमी 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे खाना नहीं खाता तो उसके पेट में थोड़ा सा उसको यूँ एसिड बनता है, तो उसको थोड़ा सा यूँ महसूस होता है कि अरे यार पेट कुछ मांग रहा है। भूख भी लगती है शुरू के दिनों में, जब आदत नहीं होती तो उसको लगता है अरे पेट कुछ मांग रहा है, मैं उसे कुछ दे नहीं रहा हूँ, मसल तोड़ के तो नहीं खा जाएगा। हफ्ते में एक दिन खाना नहीं खाना, हफ्ते में दो दिन खाना नहीं खाना, ऐसे तो मेरी शरीर मैं पूरे दिन नहीं खाऊंगा, मेरा शरीर मसल तोड़ के खा जाएगा। मान लो आज रात को 12 बजे आखिरी खाना खाया था, फिर कल रात को 12 बजे तक नहीं खाना और परसों सुबह 6 बजे खाना, 30 घंटे तक भूखा रहूँगा तो मेरा शरीर मसल तोड़ के खा जाएगा ऐसे तो। तो आपको बता देता हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपका शरीर मसल तोड़ के खा जाए ऐसा नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से मसल लॉस नहीं होता। देखो, ऐसा पाया गया कि एक हफ्ते लगातार नहीं खाने पे भी मसल लॉस नहीं होता है, ऐसा पाया गया। तो अगर एक हफ्ते लगातार नहीं खाने पे भी मसल लॉस नहीं हो रहा, तो हफ्ते में सिर्फ एक दिन नहीं खाने से, हफ्ते में सिर्फ दो दिन नहीं खाने से मसल लॉस हो जाए ऐसा कैसे होएगा। और एक अल्टरनेट डे फास्टिंग मैंने बताया था कि आज खाना खाया कल नहीं खाया, फिर परसों खाया फिर तरसों नहीं खाया, एक दिन खाना खाया एक दिन खाना नहीं खाया फिर अगले दिन खाया फिर नहीं खाया, अल्टरनेट डे फास्टिंग जो मैंने बताया था, इसमें भी देखा गया कि मसल लॉस नहीं होता। आपके मसल मास जितना है उतना रहता है, आपके शरीर में से मांसपेशी कम नहीं होती। तो इससे हम क्या सीख लेते हैं, जब आप हफ्ते में लगभग 3-3.5 दिन नहीं खा रहे, मतलब आज खाया कल नहीं खाया परसों खाया तरसों नहीं खाया, एक दिन छोड़ के एक दिन नहीं खा रहे, उसमें भी मसल लॉस नहीं हो रहा, तो हफ्ते में सिर्फ एक दिन नहीं खाने से, हफ्ते में सिर्फ दो दिन नहीं खाने से मसल लॉस होने का मतलब ही नहीं बन रहा है। और उसमें मैंने आपको बताया कि ऐसा भी देखा गया कि लगातार 7 दिन तक खाने से भी मसल लॉस नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है आप एक दिन का उपवास कर लो, एक दिन का कुछ मत खाओ, या लगातार दो दिन कुछ मत खाओ, या फिर हफ्ते में दो दिन कुछ मत खाओ, तो आपका मसल लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। और फिर बात आती है कि मसल लॉस, ये मैं आपको विज्ञान के हिसाब से बता रहा हूँ, ये मैं शास्त्रों के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। तो जो 5:2 फास्टिंग है कि हफ्ते में दो दिन खाना नहीं खाया, इसमें मसल लॉस नहीं होना चाहिए। जो उपवास होता है 6 दिन खाना खाया एक दिन खाना नहीं खाया हफ्ते में, मान लो इसमें मसल लॉस नहीं होगा। एक दिन छोड़ के एक दिन खाना खा रहे हैं उसमें मसल लॉस नहीं होगा। अब बात आती है कि कोई एक महीने तक लगातार खाना नहीं खाया, उससे भी ज़्यादा लगातार खाना नहीं खाया, तो हो सकता है मसल लॉस हो, मतलब अच्छी खासी संभावना है कि मसल लॉस हो जाए। पर इस तरीके की चीज़ें बॉडी बिल्डर वगैरह के लिए कहाँ करते हैं वो, ये सब फिटनेस वाले लोग, ये सब चीज़ें तो क्या है कि आत्मा के लिए करी जाती है। ये तो धर्म वाली चीज़ें हैं कि एक महीने दो महीने खाना नहीं खाया, उसमें तो क्या है वो जानबूझ करके शरीर को तकलीफ देते हैं और ताकि आत्मा का उद्धार हो, आत्मा से कर्म क्षय हो। तो ये सब चीज़ें तो शरीर के लिए नहीं करी जाती। और ऐसा भी आता है शास्त्रों में कि अभी जो काल चल रहा है, अभी जो समय चल रहा है, इसमें इस आरे में 6 महीने से ज़्यादा लगातार मैं भूखा नहीं रह सकता, ये शास्त्रों की बात है। पर हमारे फिटनेस के लिए सीधी सीधी बात हम ये समझ लें, इंटरमिटेंट फास्टिंग से मसल लॉस नहीं होता और इंटरमिटेंट फास्टिंग से मसल गेन होती है। मतलब आपके मन में डर था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करूँगा तो मेरी मसल खत्म हो जाएगी, मेरी मसल कम होने लग जाएगी, मेरा शरीर मसल को खाने लग जाएगा जब मैं भूखा रहूँगा तब, जबकि उल्टा हो रहा है कि आपके शरीर में मसल बढ़ने लगेगी। मतलब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग सहयोगी होगी आपके शरीर में मसल बढ़ाने के लिए। कैसे, ये अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।